फेस को देता है इंस्टेंट ग्लो एंड फेयरनेस, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। क्या हाल है दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए एक ऑल इन वन फेस पैक लाया है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। पिंपल्स डार्क स्पॉट्स तो खत्म करेगा ही, साथ में आपको देगा इंस्टेंट ग्लो इंस्टेंट फेयरनेस। ये फेस पैक कोई लड़का या लड़की कोई भी यूज कर सकता है। किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, इंस्टेंट ग्लो इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए, ऑफिस से घर आए हो, किसी पार्टी में जाना है, फ्रेश फेस चाहिए, उसके लिए ये फेस पैक परफेक्ट है। ये फेस पैक कम्प्लीटली नेचुरल एंड होममेड होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात यार, 60% लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। वो बेल आइकन भी दबा देना, इससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, बिकॉज हमारे चैनल पर मैं ऐसी वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फेस पैक को बनाना कैसे है, लगाना कैसे है, उसके बाद मैं आपको इसके कम्प्लीट सारे फ़ायदे बताऊँगा। इस फेस पैक के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है 1.5 चम्मच बेसन की, जिसे हम ग्राम फ्लोर भी कहते हैं। ये आपके घर में ईजिली मिल जाएगा। इसके बाद हम लेंगे 1/4 स्पून टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, ये भी आपके घर में ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए एलोवेरा जेल। मैं एलोवेरा जेल पतंजलि का यूज़ करता हूँ, आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। इसके बाद हमें चाहिए गुलाब जल। गुलाब जल भी मैं पतंजलि का यूज़ करता हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 1 स्पून गुलाब जल हम यूज़ करेंगे। फिर हम चारों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और ये फेस पर लगाना बहुत ईजी भी रहेगा। फेस पर अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल वाटर के साथ फेस वॉश कर लेना। चलो अब इसे लगाना शुरू करते हैं। पूरे फेस पे लगाओ, आराम आराम से लगाना, अपना फेस मत ख़राब कर लेना। अंडर आइज़ पे लगाना, ध्यान से लगाना कि आपकी आँखों पे ना लग जाए। नोज़ पे लगाओ, फोरहेड पे लगाओ, चीक्स पे लगाओ, अच्छे से पूरे फेस पे लगाओ। इस फेस पैक से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, सो बिना सोचे आराम से लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो आप इस फेस पैक को अपने चेस्ट के ऊपर नेक एरिया पर भी लगा सकते हो, ये बहुत अच्छे से आपके नेक को भी क्लीन कर देगा। अच्छे से फेस पे लगने के बाद आपने फेस पैक को 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ना है। 15 से 20 मिनट ड्राई होने के बाद ये फेस पैक कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब आप इसको नॉर्मल पानी के साथ फेस वॉश कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मल फेस वॉश करते हो। फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है, और मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश भी फील कर रहा हूँ। अब बात आती है इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले हमने डाला बेसन। बेसन हमारे फेस से डेड स्किन और टैनिंग को रिमूव करता है और हमारे फेस को देता है इंस्टेंट ग्लो एंड फेयरनेस। उसके बाद हमने डाली हल्दी। हल्दी के अंदर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो हमारे पिंपल्स एंड ब्रेकआउट से करता है फाइट, और जिससे हमारे पिंपल्स होते हैं कम। उसके बाद हमने डाला एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बहुत सारे फायदे हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, और एलोवेरा जेल से हमारे पिंपल्स भी होते हैं कम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर हमने डाला रोज वाटर। रोज वाटर के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। रोज वाटर हमारे फेस से एक्सेस ऑयल कम करता है, रेडनेस खत्म करता है, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे भी ठीक कर देता है। मेरे लिए तो ये फेस पैक हमेशा वर्क करता है, मुझे हमेशा इंस्टेंट ग्लो मिलता है। आप भी ट्राई करके देखो, आपको भी फर्क दिखेगा। अगर किसी पार्टी में नहीं जाना तो वीक में 1 या 2 बार वैसे ही लगा लो, ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करके कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे देना। आगे भी ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।